सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, डंकी मूवी के ऑफिशियल कास्ट को रिवील कर दिया गया है। जो जो डंकी मूवी में ऑफिशियल कास्ट होने वाले हैं, प्लस इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक्स कौन लिख रहा है, म्यूजिशियन कौन होने वाले हैं, सभी चीजें रिवील कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको डंकी से रिलेटेड सभी चीजें बताने वाले हैं, उसकी कास्ट के बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बता दें, मैन लीड रोल में हमें देखने को मिलने वाले हैं हमारे किंग खान यानी कि SRK, जिनका नाम मूवी में हार्डी होने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा सा पंजाबी नाम है, क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड ही मूवी हमें देखने को मिलेगी, तो हार्डी SRK का नाम होने वाला है। वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें मैन लीड एक्ट्रेस के रूप में तापसी पन्नू देखने को मिलने वाली है, जिनका नाम मनु होने वाला है मूवी में। वहीं पर तीसरे नंबर पर दोस्तों हमें बोमन ईरानी देखने को मिलेंगे, जिनका नाम मूवी में गुलाटी होने वाला है। वहीं पर चौथे नंबर पर दोस्तों हमें विकी कौशल देखने को मिलने वाले हैं, जिनका मूवी में नाम सुक्की होने वाला है। पांचवें नंबर पर दोस्तों हमें विक्रम कोचर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम बुग्गू होने वाला है मूवी में। और छठवें नंबर पर दोस्तों हमें अनिल ग्रोवर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम बाली होने वाला है मूवी में। अब इन छह मैन लीड कास्ट के बाद भी बहुत सारे को एक्टर्स रहते हैं, लेकिन उनको अभी तक रिवील्ड नहीं किया गया है। अब साथ ही दोस्तों बता दें कि जो डंकी मूवी है, उनके डायरेक्टर हमारे राजकुमार हिरानी होने वाले हैं, जिनका सक्सेस रेटियो 100 out of 100 है। यानी कि उन्होंने अभी तक 5 ही मूवी डायरेक्ट की है, जिनमें से मुन्ना लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS, PK, 3 Idiot जैसी मूवीज शामिल है, और उनका जो सक्सेस रेटियो है वो 100 out of 100 रहा है। साथ में बता दें कि जो प्रोड्यूसर होने वाले हैं, यहाँ पर हमें 3 प्रोड्यूसर डंकी मूवी में देखने को मिलेंगे। पहले दोस्तों गौरी खान होने वाली है, दूसरी दोस्तों रेड चिली एंटरटेनमेंट होने वाले हैं, और तीसरे प्रोड्यूसर इसमें जियो स्टूडियो होने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम म्यूजिशियन का नाम बताएं, तो म्यूजिशियन हमें इसमें प्रीतम का म्यूजिक देखने को मिलने वाला है डंकी मूवी में। वहीं पर अगर हम सिंगर की बात करें, तो सोनू निगम इसके मेन सिंगर होने वाले हैं। वहीं अगर हम लिरिक्स की बात करें कि इसके लिरिक्स कौन लिख रहा है, तो जावेद अख्तर इसके लिरिक्स लिख रहे हैं। अब इतना सब होने के बावजूद दोस्तों, डंकी मूवी का ब्लॉकबस्टर होना तो तय है, क्योंकि जब SRK प्लस राजकुमार हिरानी एक ही साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में SRK काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मूवी तो ब्लॉकबस्टर होगी ही। जैसे लगे रहो, मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiot जैसी मूवीज को उन्होंने ब्लॉकबस्टर कराया है। अब आप बताइए कि आप डंकी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।